हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल परी टेक एंड फाइनेंस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस गर्मी के सीजन में आप मात्र 2.5 लाख रुपए में सोलर से चलने वाले स्पिनिंग मिल लगा सकते हैं और आप इससे 1 लाख रुपए तक मंथली कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए साथ में दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। गर्मी के इस सीजन में आप मात्र 2.5 लाख रुपए में सोलर से चलने वाले स्पिनिंग मिल लगा सकते हैं। इस मिल में तैयार यार्न से आप रेडीमेड गारमेंट तक बना सकते हैं। इसके लिए आपको चरखे लगाने होंगे जो सोलर से चलेंगे। इस प्रोजेक्ट को सरकार की ओर से भी सपोर्ट मिलता है। सरकार न केवल 90% तक लोन देती है बल्कि 25% तक सब्सिडी भी दी जाती है। आज हम आपको ऐसी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो सरकारी एजेंसी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन द्वारा तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आधार बनाकर आप सरकार से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन भी ले सकते हैं। क्या है प्रोजेक्ट कॉस्ट? KVIC की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 24,87,000 रुपये होगी। इसमें से केवल 10% यानी 2,48,000 रुपये आपको लगाना होगा। बाकी का 90% टर्म लोन यानी लगभग 22,39,000 रुपये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन मिल जाएगा। कितनी मिलेगी सब्सिडी? सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से 25% तक सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में सोलर चरखे से कताई बुनाई एवं प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 6,22,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिसे खादी ग्रामोद्योग कमीशन की मार्जिन मनी कहा जाता है। नहीं देना पड़ेगा ब्याज। हालांकि इस योजना के तहत 13% ब्याज दर का प्रावधान है। 5 साल के भीतर पैसा लौटाना होता है, लेकिन इस ब्याज राशि को सब्सिडी के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। इसके चलते आपको लगभग कुल लोन राशि ही लौटानी पड़ती है। कैसे शुरू करें बिजनेस? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए सोलर पावर से चलने वाले 25 चरखे और 10 लूम्स लगाए जाएंगे। सोलर चरखा के लिए खादी कमीशन की ओर से रॉ मटेरियल सिल्वर रोविंग की सप्लाई की जाती है। हालांकि आप बाहर से भी सिल्वर व रोविंग खरीद सकते हैं। यह मटेरियल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी मिल जाता है। इसके बाद यार्न का प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है, जिससे आप कपड़े बना सकते हैं। ज़्यादातर मिल मालिक रेडीमेड गारमेंट बनाकर बेच रहे हैं। क्या है मार्केट पोटेंशियल? इन सोलर चरखे से बनने वाले यार्न को केंद्र सरकार के कई विभागों में सप्लाई किया जाता है। इसके लिए खादी कमीशन द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है। इस यार्न से बने टॉवल, बेडशीट, तकिए के कवर, डस्टर क्लॉथ रेलवे सहित कई विभागों में मंगाए जाते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, चूंकि आपके पास 25 चरखे हैं तो आप किसी रेडीमेड गारमेंट कंपनी से भी ऑर्डर ले सकते हैं। कितनी हो सकती है कमाई? सरकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोफाइल के मुताबिक यदि यूनिट पूरी कैपेसिटी से प्रोडक्शन करती है तो सालाना कम से कम 80 लाख रुपए की सेल्स हो सकती है, जबकि आपको खर्च के तौर पर 25 स्पिनर, 10 वीवर, 5 ट्रेलर, 1 ओवरलॉक ऑपरेटर, 1 मास्टर कटर को साल का 32,56,000 रुपये वेतन के रूप में देने होंगे। लगभग 14 लाख रुपये रॉ मटेरियल कच्चा माल पर खर्च होगा। ऐसे में यदि सेल्स में से कुल खर्च निकाल दे तो आपका नेट प्रॉफिट 12,10,000 रुपये होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा। यानी कि आप 1 लाख रुपये महीने से अधिक कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।